9th और 10th के मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों से मेरा सुप्रभात है। और ये जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो है 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है। तो देखिए, आज जो हम है रस पढ़ाने जा रहे हैं। रस का अर्थ होता है आनंद, और कुछ आचार्यों ने रस का अर्थ जो है चखना भी बताया है, लेकिन यहाँ पर जो है रस का अर्थ हम आनंद से ही लेंगे। अब देखिए, हमको आनंद कई तरह से प्राप्त होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर है आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आप कोई भी काव्य पढ़ेंगे या कहानी पढ़ेंगे या कुछ देखेंगे, मूवी या कुछ भी देखेंगे, तो उसमें से आपको जरूर कुछ ना कुछ या किसी ना किसी प्रकार का आनंद मिलेगा। तो देखिए आगे है कि कविता पढ़ने, नाटक देखने या कहानी सुनने के बाद श्रोता, पाठक, दर्शक के मन में जो भाव या जो आनंद उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। यानी हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमको कुछ ना कुछ भाव या आनंद जरूर प्राप्त होता है, तो वही जो है रस होता है। अब देखिए, रस के चार अंग होते हैं, यानी कि इन चारों अंगों से मिलकर के जो है रस बनता है। तो इसमें देखिए, पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो देखिए, रस के अंग, रस के चार अंग होते हैं। इसमें पहला है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव देखिए, जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं। रस कितने होते हैं भाई? कुछ आचार्यों ने तो 9 रस बताए हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पर 11 लिख दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है 9 रस ही होते हैं। तो देखिए, जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं। अब देखिए, अस्थाई भाव किसे कहते हैं? जो सहृदय के हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान होता है वही अस्थाई भाव कहलाता है। अब बच्चों देखिए, अस्थाई भाव जो है हम सबके हृदय में अस्थाई रूप से रहता है। अब देखिए, जितने रस हैं उतने अस्थाई भाव हैं। तो हमारे सामने जो कुछ भी आता है, अच्छा बुरा या चाहे जो भी कुछ हो, कोई भी दृश्य आए, कोई भी कहानी पढ़े, तो हमारे हृदय से जो है वह अस्थाई भाव जो है बाहर निकलता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने अस्थाई भाव लिखा है, यहाँ पर रस लिखा है ना? तो यहाँ पर देखिए, पहला स्थाई भाव रस, रस का अर्थ होता है प्रेम। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, रति जो है कामदेव की पत्नी का नाम है, जो कि बहुत अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर रति का अर्थ प्रेम से लगाया जाता है, और इसका रस श्रृंगार रस होता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है, तो अस्थाई भाव रति होता है। अब देखिए, दूसरा है हास अस्थाई भाव है, इसका रस जो है हास है। अब देखिए, कोई चीज जब हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, तो जब हंसी आती है, हंसी आने वाले जब कोई चीज देखेंगे, तभी हमारे हृदय से जो अस्थाई भाव बाहर आएगा, और वही अस्थाई भाव जो है रस रूप में परिणित होता है या बदल जाता है, तो ये जो है हास रस हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हास नामक अस्थाई भाव के रस जो है हास रस है। तीसरा है शोक। शोक का स्थाई भाव है किसका? करुण रस का। अब इसमें देखिए है, जो मतलब अपने प्रियजनों या अपने स्वजनों की मृत्यु या उनके विनष्ट होने का जब हमको कष्ट होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। और हमारे हृदय से कौन सा स्थाई भाव निकलता है? शोक। यानी हम सब जो है दुख मनाने लगते हैं, शोक में डूब जाते हैं। अगला देखिए, चौथा है क्रोध नामक अस्थाई भाव जो है, क्रोध नामक अस्थाई भाव से कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। जैसे मान लीजिए, हमको कोई गाली दे दिया या किसी ने हमको कुछ भला बुरा कह दिया, तो उस पर क्या होगा? हमारे हृदय से जो है क्रोध नामक अस्थाई भाव बाहर निकलता है, और वही जो है रौद्र नामक रस में बदल जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है। अगला देखिए, उत्साह। उत्साह स्थाई भाव है, और यह है वीर रस का। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है। अब देखिए, वीर तो कई तरह के वीर बताए गए हैं।
दानवीर, धर्मवीर, रणवीर, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी वीर हो लेकिन उसके मन में जब उत्साह होगा, उत्साह की उत्साह नामक स्थायी भाव जब उत्पन्न होगा तब वहां वीर रस होगा, है ना। तो अगला देखिए भय, भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो कौन सा रस होता है, भयानक। जैसे देखिए हम कहीं कुछ ऐसी भयंकर चीजों को देखते हैं तो हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है, जैसे हम कहीं रास्ते से होकर जा रहे हैं सांप देख लिए या कोई भयंकर ऐसी वस्तु ऐसे जानवर देख लिए कि जो हमको हानि पहुंचाता है, तो वहां पर जो है हमारे हृदय से भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा और वह जो है भयानक नामक रस में परिणत हो जाता है। आगे देखिए जो गुप्सा स्थायी भाव है और यह जो इसका रस क्या है, विभात से इसका बेटा होता है यार घृणा होता है। घृणा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग रास्ते से होकर जा रहे हैं या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं कि हमारा मन जो एकदम घृणित हो जाता है, और जैसे हम नाक बंद कर लेते हैं, कदम तेजी तेजी से चलाने लगते हैं, तो वहां पर देखिए ये जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है और वह जो है विभत्स नामक रस में बदल जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं कि जहां से मतलब दुर्गंध निकलती है या देखने में जो है बहुत बुरा लगता है तो वहां पर जो है जुगुप्सा अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। अब देखिए अठवा है विस्मय, विस्मय नामक अस्थायी भाव जब उत्पन्न होता है तो वहां पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत का अर्थ ही होता है अलौकिक, है ना। तो विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्य। तो जब कोई चीज हम लोग मतलब ऐसे देखते हैं कि जो मतलब देखने योग्य ना हो, देखने योग्य ना होने का मतलब कि जो असंभव होता है, जो असंभव है उसको जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय जो है विस्मय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है और वह जो है अद्भुत नामक रस में बदल जाता है। अब अगला देखिए निर्वेद अस्थायी भाव है और ये जो है शांत रस। जैसे देखिए हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, तो उनके दोहे को पढ़ने के बाद ना हम हंसते हैं ना रोते हैं, ना मन में कुछ घृणा का भाव उत्पन्न होता है ना ही प्रेम उत्पन्न होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शांत रहते हैं। जब शांत रहते हैं तो वहां पर शांत नामक अस्थायी भाव, शांत नामक रस उत्पन्न होता है सारे। यहाँ पर देखिए निर्वेद नामक अस्थायी भाव जब उत्पन्न होता है इसके संयोग से जो शांत रस उत्पन्न होता है। तो बच्चों देखिए आप लोगों के लिए नव ही रस मतलब आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए दसवां है वत्सल नामक अस्थायी भाव, या जो है वत्सल रस का स्थायी भाव है। अब यहाँ पर देखिए जैसे प्रेम तो कई तरह का होता है, एक प्रेम हम बता दिए श्रृंगार रस में तो अलग है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेम है वत्सल यानी वत्सल रस जो है, या जो माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस कहते हैं, है ना। जैसे मतलब जसोदा का जो है भगवान श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम है, और हर माँ का अपने बच्चों के साथ जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस में होता है। अब देखिए लास्ट वाला है देवता विषय प्रेम, तो यह भक्ति रस में आता है। अब जैसे मीरा बाई है तो भगवान श्री कृष्ण जी को अपना क्या मानी थी, बैठे के बच्चे तो सभी लोग जानते होंगे कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान लिया था अर्थात उनसे प्रेम करती थी। तो इसलिए यहाँ पर जो है मतलब जो किसी भी देवता के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो उसके हृदय में देवता विषय प्रेम अस्थायी मतलब नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है और यह जो है भक्ति रस में बदल जाता है। अब ये तुलसीदास जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। तो इन लोगों के ये लोग मतलब इनकी इनकी रचना में कौन सा रस है, भक्ति रस है, और इसका स्थायी भाव क्या है, देवता विषय प्रेम। देखिए रस का अंग पहला अंग तो अस्थायी भाव था और दूसरा अंग जो है विभाव है। विभाव का अर्थ होता है कि जिसके कारण सा हृदय को रस प्राप्त होता है,
यानी कि बिना कारण के तो हमको आनंद प्राप्त नहीं होगा, आनंद प्राप्त करने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो यह है कि मतलब विभाव के कारण ही हृदय को रस प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अस्थाई भाव का कारण विभाव होता है, यानी जो हमारे हृदय से अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वह विभाव के ही कारण होता है। और यदि विभाव हमारे सामने नहीं आएगा तो क्या होगा, हम चुपचाप बैठे ही रह जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम शांत होकर बैठे हैं, कोई आकर के हमारे सामने कोई हंसी की बात कर दिया तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हंस देंगे। और मान लीजिए कोई आकर के दुख भरी कहानी किसी सुना दिया तो हम थोड़ा जो है गम में भी डूब जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये विभाव तो समझ में आ गया होगा कि अस्थाई भाव का कारण विभाव होता है, यानी विभाव के कारण ही अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो देखिए विभाव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नंबर एक है आलंबन विभाव। आलंबन का मतलब होता है सहारा, आलंबन का मतलब होता है सहारा। तो देखिए आलंबन विभाव में है जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसके कारण यानी कि जिसके कारण हमारे हृदय में भाव रस आनंद उत्पन्न होते हैं वही आलंबन विभाव होता है। आलंबन का मतलब होता है सहारा, है ना। तो देखिए इसमें है जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, है ना। तो आगे देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को देख करके हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है तो जिसको देख कर उत्पन्न हुआ है वह क्या हो जाएगा, आलंबन विभाव। या किसी जानवर या शेर या सांप को देख करके हमारे मन में डर उत्पन्न हो गया है तो सांप या शेर जो है आलंबन विभाव होगा। तो इसका मतलब यह है कि जिसके कारण हमारे स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह आलंबन विभाव होता है। अब अगला देखिए जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं। अब देखिए जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होंगे, कहने मतलब कि किसी को देख करके किसी के मन में प्रेम उत्पन्न हो या किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देख करके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए तो जिसके मन में वह भाव उत्पन्न होगा वह क्या होगा, वह आश्रय कहलाता है, है ना, आश्रय कहलाता है। जैसे देखिए राम को देखकर सीता के मन में रथ प्रेम उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, राम आश्रय हुए और सीता जी जो है नहीं, राम आलंबन हो गए और सीता जी जो है आश्रय हो गए, है ना। नायक को देखकर नायिका के मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो नायक जो होता है आलंबन होता है और नायिका जो होती है आश्रय होती है। अब देखिए जैसे शेर को देख करके मन में भय उत्पन्न होगा तो शेर क्या है, आलंबन विभाव हो गया और जिसके मन में उत्पन्न होता है वह आश्रय हो गया। तो इसी तरह से मतलब जितने भी रस हैं सब में आपको आलंबन विभाव मिलेंगे, आश्रय विभाव मिलेंगे और ये सब उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए अगला है दूसरा है मतलब ये मतलब विभाव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक आलंबन विभाव और नंबर दो उद्दीपन विभाव। अब देखिए उद्दीपन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त करता है, यानी आलंबन विभाव के द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है उसको क्या करता है और अधिक बढ़ाता है और अधिक उद्दीप्त कर देता है। जैसे क्या है, सांप को देख करके हम लोग डर जाते हैं, सांप को देखकर डर जाते हैं ना, लेकिन ये उसी बीच में सांप फूंक काट दिया तो क्या हो जाएगा, ये सांप फूंक काट दिया तो क्या उसका फूंक काटना क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब होता बढ़ाना, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे सांप का फूंक काटना। या दूसरा उदाहरण लीजिए जैसे शेर है, शेर को देख करके हम लोग डर जाते हैं लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो हमारी डर की भावना जो होती है और अधिक बढ़ जाती है। तो देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया उद्दीपन विभाव।
देखिए अभी तीसरा रसकांड है अनुभाव। अनुभाव का क्या अर्थ होता है? जब आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है या अस्थाई भाव जाग जाता है, तो उसके बाद जो है आश्रय कुछ शारीरिक चेष्टाएं करता है, कुछ बाह्य चेष्टाएं करता है, तो ये अनुभाव होता है। अब जैसे क्या है कि अब शेर को जो कोई देखेगा तो डर जाएगा, और डरने पर क्या करेगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वह तुरंत भागने की कोशिश करेगा। तो देखिए अनुभव में जो है मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे रस है ना। जैसे मान लीजिए हम अपने किसी प्रियजन के अशुभ समाचार सुन लिए या अपने किसी स्वजन की मृत्यु का समाचार सुन लिए, तो उस समाचार को सुन करके कुछ लोग देखो हक्का बक्का हो जाते हैं। हक्का बक्का होने मतलब एकदम शांत हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसीने से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन पसीना आने का मतलब गर्मी में नहीं पसीना आना, ये ठंडी में पसीना आना, मतलब उनको ठंडी के समय में ही कुछ बात को सुन करके या कुछ सोच करके उनको पसीना आने लगता है, तभी क्या होता है अनुभव हो जाता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अशुभ समाचार सुनते हैं तो कांपने लगते हैं। जैसा कि ये दोनों बातें आप लोग अपने घर परिवार या अगल बगल में सुनते देखते भी हैं, है ना। तो देखिए कुछ लोग कांपने लगते हैं, तो कांपने का मतलब बच्चों ये नहीं है कि ठंडी में कांपना, नहीं, विपरीत परिस्थितियों में जैसे गर्मी में कांपना। गर्मी में कांपने का मतलब कि आप कोई ऐसी अशुभ बातें सुने हैं जिससे जो है आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं और आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो गया है, ये सब जो है अनुभव होते हैं। अब देखिए जैसे कुछ लोग हैं अपने प्रियजनों के नष्ट होने का सुनते हैं भाई आंसू आने लगते हैं, और कुछ लोग होते हैं हाथ पैर पीटना शुरू करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत हो जाएगा तो उसके बाद वह कुछ ना कुछ जो है बाह्य चेष्टाएं यानी शारीरिक चेष्टाएं अवश्य करता है, और यही शारीरिक चेष्टाएं अथवा बाह्य चेष्टाएं यही हमारे अनुभव होते हैं। और अब जैसे ये तो हो गया दुख की बात, अब जैसे मान लीजिए हम रास्ते से ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में कहीं बहुत ऐसी चीज सड़ी गली मिली कि जहां से मतलब बहुत दुर्गंध आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अपना नाक तुरंत बंद कर लेंगे और कदम को तेज बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो हमारे जो हम अपनी नाक बंद करते हैं और जो तेज चलना शुरू करते हैं तो ही हमारी बाह्य चेष्टाएं होती हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए श्री नारद से थोड़ा समय लीजिए, अब इसमें जैसे अनुभव है उसमें यह है कि अस्थायी भाव जागृत होने पर यानी मान लीजिए कि आपके हृदय से जो रति नामक प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो जिससे हुआ है तो उस आलंबन के प्रति आश्रय के पास चेष्टाएं क्या होगी, वह उससे मिलने की कोशिश करेगा, तो ये भी अनुभव में ही आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए रौद्र रस है, किसी के ऊपर हमको गुस्सा आ गया है, तो गुस्सा आने का मतलब क्या है, जब गुस्सा हमको आ जाएगा तो उसको हम मारने की प्लान बनाएंगे या उसके ऊपर टूट पड़ेंगे या उसको मारना शुरू कर देंगे, तो मारना पीटना जो हमारी बाह्य चेष्टाएं कहलाएंगी और यही बाह्य चेष्टाएं अनुभव होती है। और इसको आप लोग विशेष समझ लीजिएगा, ये जो पसीना आना कांपना, एक गर्मी में पसीना आना मत समझिएगा, क्योंकि ठंड में पसीना आना, कोई अशुभ बातें अशुभ बातें हम सुनते हैं, मतलब सबको नहीं आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अशुभ बातों को सुनते हैं तो उनको पसीना आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गर्मी में भी अशुभ बातें सुनने पर शरीर में कंपन हो जाती है। तो देखिए ये तो हो गया आपका अनुभव यानी अस्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं वह अनुभव कहलाती हैं। और देखिए है चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और इसी संचारी भाव को कुछ लोग पानी का बुलबुला भी बताते हैं, क्योंकि ये संचारी भाव क्या होता है, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार होते हैं। अस्थिर का मतलब क्या होता है, जो अस्थायी ना हो, जो स्थिर ना हो, आश्रय के मन में जो उठने वाले
अस्थिर मनोविकार होते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। और ये मनोविकार किसके समान होते हैं? पानी के बुलबुले के समान होते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं पानी का बुलबुला बनता है और बिगड़ता है, तो इसी तरह से जो संचारी भाव होते हैं या थोड़ी देर के लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त होते हैं। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, हम मान लीजिए घर से स्कूल आ रहे हैं, रास्ते में जो किसी को देख लिए कि उसको चोट लग गई है या गाड़ी से साइड लग गई या कुछ भी हुआ, हम उसको देख लिए हैं, थोड़ा दो मिनट रुक गए और उसके प्रति जो है थोड़ा सहानुभूति व्यक्त कर दिए और जो है हमारे मन में थोड़ी देर के लिए कि कौन सा रस उत्पन्न होगा, करुण रस उत्पन्न हो गया और फिर उसके बाद फिर हम अपने चलते बने रास्ते पर। तो ये क्या होगा कि ये जो मतलब जो उसके प्रति हमने जो थोड़ा दुख व्यक्त किया है वही जो है हमारा संचारी भाव है, विषाद है, चिंता है, यही सब संचारी भाव होता है। और या जो है बहुत थोड़े समय के लिए मन में होता है या अस्थायी रूप से नहीं होता है। तो बच्चों आप लोग जो है जो ये रस के अंक पढ़ाए हैं और रस के बारे में पढ़ाए हैं, इसको 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे अपना पढ़ते हैं।